इसी प्रोग्राम प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट, बट इन दैट केस यू वांट टू डिस्प्लेइंग ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर फॉर अ गिवन रेंज फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए इज अ मिनिमम रेंज एंड बी इज अ मैक्सिमम रेंज. सपोज दैट अगर मैंने ए का वैल्यू एंटर किया 1, बी का वैल्यू एंटर किया 100, इन इस केस में डिस्प्ले करना चाहिए ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर फ्रॉम 1 to 100. सेम एज अगर ए का वैल्यू मैंने एंटर किया 100, बी का वैल्यू एंटर किया जाए 1000, देन इस केस में डिस्प्ले करना चाहिए 100 और 1000 के बिटवीन में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है सारे के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर डिस्प्ले कराना है. प्रीवियसली जो एप्लीकेशन 40 मैंने राइट डाउन किया था, प्रीवियस एप्लीकेशन के थ्रू इस लॉजिक्स के थ्रू ओनली डिस्प्ले किया हुआ था गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट. सेम केस होगा रेंज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन सबसे पहले इस केस में 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे. इस सेम प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ए और बी, प्लस इस केस में ए में क्या असाइन कराना मिनिमम रेंज और बी के केस में क्या असाइन कराना मैक्सिमम रेंज, देन चेंज दिस मैसेज एज एंटर रेंज और सिंपली वैल्यू ऑफ ए बी, वेयर ए शुड बी लेस देन वैल्यू ऑफ बी. नेक्स्ट टाइम स्कैनर फंक्शन से डायरेक्टली नंबर रीड डाउन करके रीड डाउन क्या करेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, मीन्स एम परसेंट ऑफ ए कॉमा एम परसेंट ऑफ बी, मीन्स रिमेनिंग होल प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम रहेगा ओनली एक्सेप्टिंग सम डिफरेंसेस. इस केस में चेंज क्या करना है मीन्स एवरी टाइम इस केस में एक लूप मैनेज करने की जरूरत होगी जो कि इस रेंज को मैनेज करेगा आउटर लूप. इस आउटर लूप को मैनेज करने के लिए एक और वेरिएबल यूज कर लेते हैं समथिंग वेरिएबल एट जे समथिंग. इस केस में जे को एग्जीक्यूट कराएं फ्रॉम ए टू बी फॉर लूप, स्पेस का मैं एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, जे इक्वल्स टू ए कंडीशन. लूप कब तक चलाना है रेंज को मैनेज करने के लिए ए से लेकर बी तक, देन कंडीशन में अप्लाई क्या करें जे प्लस प्लस प्लस. इस केस में एवरी टाइम जो भी जे वैल्यू जनरेट होगी जे वैल्यू आसान किस में करा लेंगे, मीन्स मैं न्यू कोड जनरेट नहीं करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करना चाहता हूँ. इसलिए असाइनमेंट क्या करें इस केस में नंबर इक्वल्स टू जे और टी प्लस. अब इस केस में टी की जरूरत नहीं क्योंकि एवरी टाइम जिस नंबर के लिए लॉजिक से अप्लाई करेंगे नंबर ऑलरेडी किस फॉर्म में जे के फॉर्म में, तो सिंपली आप यूज क्या करो इसके साथ नंबर इक्वल्स टू जे. जहां भी टी यूज किया टी के प्लेस पर क्या परफॉर्म कराएंगे इन केस ऑफ टी, टी के प्लेस पर नंबर में अगेन आसान करा लेंगे एज अ जे. लाइक रिमेनिंग प्लेसेस पर एग्जैक्टली सेम लॉजिक आएंगे प्लस दिस इज द ओपनिंग ऑफ द लूप, मीन्स ये आउटर लूप है आउटर लूप का क्लोजिंग प्रोवाइड करेंगे लाइक दैट. दिस इज द क्लोजिंग ऑफ आउटर लूप और मेन फंक्शन, जस्ट बाद में राइट डाउन कर रहे हैं. वन मोर थिंग्स इन दैट केस, प्रीवियस केस में सिंपली इफ कंडीशन टेस्ट करने के बाद चेक किया था आइदर यस और नो, लेकिन इस केस में आप चेक करने के बाद डिस्प्ले क्या कराना अगर गिवन नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है देन इस केस में आर्मस्ट्रांग नंबर को डिस्प्ले कराना मीन्स वैल्यू ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर्स. इसलिए यूज क्या करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस एवरी टाइम टेस्टिंग किसके लिए हो रहा है वैल्यू ऑफ जे, जे वैल्यू इसके लिए इसलिए डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ जे. अगर जे का करंट वैल्यू आर्मस्ट्रांग नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है देन डिस्प्ले हुआ अदरवाइज नथिंग. देन व्हाइल लूप ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ व्हाइल लूप, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप क्लोज करने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम क्लोज क्या करेंगे मेन फंक्शन, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शंस. वन मोर थिंग्स, फर्स्ट टाइम सम कैलकुलेट होने के बाद सम एवरी टाइम न्यू वैल्यू से इनिशियलाइज करने की नीड होगी, इसलिए जब आउटर लूप टेस्ट होगा एवरी टाइम सम के केस में इनिशियलाइजेशन किससे होगा नंबर इक्वल्स टू जे कॉमा सम इक्वल्स टू जीरो एवरी टाइम. इस केस में ए से लेकर बी तक की रेंज में जितने भी नंबर्स जनरेट होंगे सभी नंबर्स को टेस्ट करेंगे देन एवरी टाइम अगर नंबर आर्मस्ट्रांग देन डिस्प्ले किया जाएगा सच वैल्यू प्लस टी के प्लेसेस पर कंपेरिजन किससे होगा जे से. इस प्रोग्राम में लॉजिक्स के थ्रू लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर डिस्प्ले कराना पॉसिबल है.